हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल माँ बेटी व्लॉग्स में। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ मसाला चिकन की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत आसानी से और जल्दी बन जाती है। चलो करते हैं उसको स्टार्ट। जिसके लिए मैंने कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में हम आधा कटोरी तेल डाल देंगे। तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें आधा केजी चिकन डाल देंगे। चिकन को मैंने पहले अच्छे से वॉश कर लिया है, अब इसे हम चला लेंगे। अब हम 4 से 5 कली लहसुन की और एक टुकड़ा अदरक का लेंगे और इसे हम कूट लेंगे। देखिए, हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट बनकर तैयार है। अब हम चिकन को चला लेंगे। हमारे चिकन का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें लंबे लंबे स्लाइसेस में कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज को मैंने पहले ही चॉप करके रख लिया था। देखिए, हमारा प्याज और चिकन का कलर थोड़ा चेंज हो गया है। अब इसमें हम जीरा डाल देंगे और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही नमक डालें और इसे चला लेंगे। चिकन को जितना ज्यादा भूनोगे चिकन उतना ही ज्यादा टेस्ट बनेगा। दोस्तों, आप हमारी ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स पर जरूर बताना, और उस शहर की कौन सी फेमस डिश है ये भी हमें जरूर बताना। अब इसमें हम 2 रफली चॉप किए हुए टमाटर डाल देंगे और इसे भी अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, इसे भी चला लेंगे। अब इसमें कश्मीरी लाल मिर्च जाएगी, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। अब इसे भी चला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट जो हमने पहले से बनाकर रखी थी, इन्हें भी चला लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर और अपना चिकन मसाला। चिकन मसाला ना भी हो तो चलेगा। अब इसे भी चला लेंगे, मसालों को भुनने के लिए रख देंगे। तो दोस्तों, आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है हमारे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर आके बताइए। इससे हमारा हौसला बढ़ेगा और हम और अच्छी अच्छी वीडियोस लाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 हरी मिर्ची और धनिया, हरा धनिया, और इसे भी चला लेंगे। देखिए, हमारा चिकन अच्छे से बनकर तैयार है। तेल भी इसका अलग हो गया है। अब हम इसकी करेंगे प्लेटिंग। मुझे उम्मीद है मेरे नॉनवेज लवर्स दोस्तों को ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। आप भी इसे घर पर ट्राई करना और अपना फीडबैक मेरे कमेंट बॉक्स पर आकर जरूर शेयर करना। आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और हमारे माँ बेटी ब्लॉग्स को ढेर सारा प्यार देना। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं आप अगली वीडियो में।